मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है, इसीलिए इसे उत्तरायण भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी का झुकाव हर 6 माह तक निरंतर उत्तर और 6 माह दक्षिण की ओर बदलता रहता है और यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विशेष भोजनम का आस्वादन किया जाता है। विभिन्न भागों में और विशेषकर गुजरात में पतंग उड़ाने की भी प्रथा है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उपडन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विशेष भोजनम का आस्वादन किया जाता है और विशेषकर गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रथा है।